गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट डे वी स्टडीड अबाउट द मस्जिद एंड द मेन टॉपिक वाज फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर. ऑल द रूलर्स हु एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर दिल्ली, दिल्ली पर जिन्होंने भी अपना रूल एस्टेब्लिश किया तो वो सभी लोग क्या थे, बाहर से आए हुए थे. देवर आउटसाइडर्स who came to India and rule over Delhi, establish their Sultanate in Delhi, and they establish their religious terms as Masjid. तो उन्होंने अपने religious followers भी बनाने शुरू किए, यहाँ पर मस्जिद बनाई उन्होंने यहाँ पर आकर के. Today our next topic is a closer look administration and consolidation under the Khalji and Tughlaq. Consolidation means they want to increase their power as manpower or physical power. अपनी स्टेट को गवर्न करने के लिए, अपनी स्टेट को चलाने के लिए अपना एक रूल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाए इन्होंने अपने. द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तन नीड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो इन्हें ज़रूरत क्या पड़ी अब कि अपना राज्य चलाने के लिए, अपना गवर्नर चलाने के लिए इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर रखने अब. रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफटेन एज गवर्नर्स, अब इन्होंने एक और अल्टरनेट निकाला कि अपने लोगों को गद्दी देने की बजाय, वहाँ का रूल देने की बजाय इन्होंने और नई चीज़ें देखी. द अर्ली दिल्ली सल्तनस स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगा इन पर्सियन. तो इन्होंने जो इनके स्लेव्स होते थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की सोची, जिन्हें बंदगा कहा जाता था. देवर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम. देवर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम. तो इनको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ये पूरी तरह से अपने मास्टर के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर जो है डिपेंडेंट हैं. द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, और सुल्तान जो है वो भी इनके ऊपर पूरी तरह से बिलीव कर सकता है, पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता है वो. स्लेव्स रेदर देन सन, अब जो सुल्तान जो थे वो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटों की बजाय भी वो स्लेव्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं. ए स्लेव हुम वन हैज़ ब्रोट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स ए होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड ए वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेव. वाइज मैन हैव सेड दैट ए वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन ए सन. तो अब तो किंग्स ने, जो सुल्तान जो थे उन्होंने ये कहना भी शुरू कर दिया कि राजा को अपने जो गवर्नर बनाने हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाने हैं ना, तो वो अपने बेटों के बजाय इनको बनाना सही रहेगा. उसका रीज़न क्या है, ए स्लेव हुम वन हैज़ ब्रोट अप एंड प्रमोटेड, कि जिसको उन्होंने रखा हुआ है उसका पालन पोषण कर रहे हैं जो. मस्ट बी लुक आफ्टर फॉर इट नीड्स ए होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड ए वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेव. तो हमें भी इनकी केयर करनी चाहिए कि ये लोग हमारी सेवा में है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी इनके बारे में सोचना चाहिए. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई ए स्लेव वुड बी बेटर देन ए सन. तो क्या आप कोई रीज़न बता सकते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि एक बेटे के बजाय एक स्लेव जो है वो बेहतर होगा गवर्न करने के लिए. द खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज़ बंदगा एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ.
who were often their clients to high political positions. Who is client? Client क्या होता है अब? तो clients जो हैं वो क्या हैं? Who is under the protection of another? जो दूसरे लोगों की प्रोटेक्शन में है, जो दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं. द खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगा एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस. तो इन्होंने अपने जो स्लेव्स थे जिनके ऊपर ये पूरा बिलीव करते थे, जो इनके लिए अच्छे थे, तो उनको इन्होंने पॉलिटिकल पोजीशंस देनी शुरू कर दी. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स, गवर्नर्स, ये पोस्ट इनको दी गई. दे दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो इसकी वजह से एक वीकनेस भी यहाँ पे देखने को मिली, अस्थिरता जिसे कहा जाता है, इंस्टेबल. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स. अब वो इंस्टेबिलिटी क्या थी कि वो स्लेव्स और क्लाइंट्स जो थे वो अपने मास्टर के लिए, उनके लिए तो वफादार हैं, ऑनेस्ट हैं उनके लिए, बट नॉट टू देयर हियर्स, लेकिन उनके आगे जो बच्चे हैं, उनके आगे जो बेटे हैं, उनके लिए वो ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है उनके लिए. न्यू सुल्तान्स हैड देयर ऑन सर्वेंट्स. एज ए रिजल्ट द असेशन ऑफ ए न्यू मोनार्क ऑफन सा कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी. तो उनके बीच में एक मनमुटाव शुरू हो गया यहाँ पर कि एक नया किंग बनता है, एक नया सक्सेसर बनता है, एक नया मोनार्क आता है, तो एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी के अंदर. द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी लाइट्स एंड द ऑथर ऑफ पर्सियन त्वारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बोन टू हाई ऑफिसर्स. तो पहले हमने लेसन की बिगनिंग में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो बड़े लोग होते थे, जो इनके वर्कर्स होते थे किंग्स के, तो वो क्या लिखते थे? तारीख या त्वारीख लिखते थे. सेक्रेटरीज होते थे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोइट्स होते थे, कर्ट्रीज होते थे, वो तारीख या त्वारीख लिखते थे. तो वो लोग भी अब किंग्स की क्रिटिसाइज में आ गए, क्योंकि पहले तो वो पोस्ट इन लोगों को दी जाती थी, लेकिन अब सुल्तान क्या करते थे, इन लोगों को वो पोस्ट देने की बजाय स्लेव्स को वो पोस्ट देते थे. तो इन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग लो बेस बोन थे और हाई ऑफिसेस तक इनको रखा जा रहा था, ऊपर की पोस्ट दी जा रही थी इनको. ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक. सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार, ए वाइन डिस्टिलर, फिरूज हाजम, ए बारबर, मनका तबक, ए कुक, एंड टू गार्डनर्स, लधा एंड पीरा, टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. तो इन्होंने अपने इन स्लेव्स को अच्छी पोस्ट्स जो हैं दी. लधा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. जियाउद्दीन बरनी, ए मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकल, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज ए साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल. तो जियाउद्दीन बरनी जो है 14th सेंचुरी के अंदर एक क्रॉनिकल रहा है, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स. तो उसने तो ये भी कह दिया कि राजा जो है ना, जो सुल्तान है, वो पॉलिटिकल जजमेंट नहीं कर पा रहा, वो ये तय नहीं कर पा रहा कि किसको रूल करवाना है, किसको गवर्नर या किसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाए वो, एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल. इस चीज़ को वो शो करना, बताना शुरू कर दिया इन्होंने. ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.